Well, hi guys, I hope you're all fine. So first of all, assalamualaikum. So I'm going to teach you a new topic which is called React with Firebase Cloud Messaging. So basically we will do a simple configuration with Firebase, and we will send a real-time notification to web application which is React application. So without wasting any time, let's go and see the code review. ओके सो मेरे पास यहाँ बेसिक एप्लीकेशन एक मैंने बना के रखा हुआ है यूआई, जिसके अंदर मैंने एक इनपुट की फील्ड ली हुई है, ठीक है, 2 बटन बनाए हुए हैं और एक होस्ट का बटन बनाया हुआ है। इन बटन से हमारा कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ जो है वो ये बटन से गर्ज है जो कि है लॉगिन एज ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक मैंने जो है वो एप्लीकेशन बनाई हुई है। अगर मैं यहाँ पर कंसोल में जाऊँ फायरबेस के, यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, उसके अंदर गया मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो इसकी सिंपल वेब की कॉन्फ़िगरेशन करी, उसके अंदर जाके जो है मैंने इसके अंदर से यहाँ से वेब की कुछ ट्रेडिशंस निकाले जो हमारे यूज़ में आएंगे, जो कि हैं बेसिकली इंटीग्रेशन। चल जाओ, ओके, इतने ही चल रहे हैं, इतने हम जो है वो कोड को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैंने SRC के अंदर एक फ़ाइल बनाई है ड्यूटीज़ की, ठीक है, फायरबेस के नाम से, फायरबेस के नाम से, ठीक है, जिसके अंदर सिंपल जो है वो एक फायरबेस की लाइब्रेरी है, फायरबेस उसको मैंने इंस्टॉल किया, फायरबेस एमपीएम की, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने एक कॉन्स्टेंट के अंदर एक और फाइल बनाई हुई है, वो बताता हूँ मैं क्या है, उसको मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फायरबेस का एक मेथड है जो कि है फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप, जो आपकी ऐप के अंदर इनिशलाइज कर देगा फायरबेस को। उसके अंदर कुछ कीज़ होती है जो हम बेचते हैं, वो कीज़ जो है वो कॉन्स्टेंट की फाइल के अंदर है। अगर मैं कॉन्फिग के अंदर जाके कॉन्स्टेंट की फाइल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर वो हमें मुझे पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, जो कि मुझे बेसिकली यहाँ से मिलेगा, ये रहा कॉन्फिग के अंदर से, ये सारा ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मेजर आईडी, मेजरमेंट्स आईडी, ऐप आईडी की आईडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं यूज़ होंगी, वो यहाँ से एक्सपोर्ट कराया हुआ है। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर दिया हुआ है फायरबेस इनिट के फंक्शन के अंदर इनिट करा के फायरबेस को इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा मेथड हो गया, इसके अंदर फायरबेस इनिशियलाइज़ हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैं गया अपने लॉगिन के पेज के ऊपर, और इधर जो है वो मैंने सिंपल फायरबेस यूटिलिटी फंक्शन से निकाला, जो फायरबेस इनिट का मेथड चलाया था, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ एक बटन के ऊपर होना चाहिए जो कि है लॉगिन एज ऑडियंस, ठीक है। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, उस फंक्शन लॉगिन का, और लॉगिन के फंक्शन के ऊपर मैंने सिंपल ये करा हुआ है कि मैंने फायरबेस जो फंक्शन मैंने बनाया था एडिट किया था, उसका डॉट मैसेज एक मेथड लिया, जिसको मैंने मैसेजिंग के कॉन्स्ट के वेरिएबल के अंदर निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने मैसेजिंग डॉट रिक्वेस्ट परमिशन का मेथड चलाया, डॉट दैन के अंदर मेरे पास जो है वो एक मेथड होता है मैसेजिंग डॉट गेट टोकन, जो कि टोकन जनरेट करता है इस यूनिक डिवाइस के लिए जो पर्टिकुलर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके डॉट दैन में जो है वो मुझे टोकन मिल जाएगा, और मैंने टोकन को कंसोल कराया हुआ है। फिलहाल आप इसके ऊपर नहीं जाएँ, ये नोड जेएस के लिए मैंने करा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। पहली वीडियो में सिर्फ रिएक्ट विद फायरबेस दिखा रहा हूँ कि कैसे हम रियल टाइम नोटिफिकेशन जनरेट करा सकते हैं। ये टोकन मुझे मिल जाएगा, और इस टोकन के जरिए मैं जो है वो फायरबेस की एप्लीकेशन से इधर एप्लीकेशन के अंदर एक नोटिफिकेशन जनरेट करवाऊँगा। ये हमारा काम हो गया, ये टोकन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब इस ऐप को जो है वो कॉन्फ़िग करने के लिए फायरबेस के जरिए मैं पब्लिक के फोल्डर में गया, यहाँ पर मैंने लिखा firebase/firebase-messaging-sw.js, इसको मैंने खोला। इसके अंदर मैंने तो स्क्रिप्ट जो है वो इंपोर्ट कराई है, एक जो है वो है फायरबेस ऐप की और दूसरी है फायरबेस मैसेजिंग की, ठीक है। और इसके अंदर सेम मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर डिफाइन की थी कॉन्स्टेंट के अंदर, वही जो फील्ड्स यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूँगा। फायरबेस इनिशियलाइज ऐप जो कि इस प्रोजेक्ट की जो बिल्ड जाती है बेसिकली, उसके अंदर जाके जो है वो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेसिकली, ये बिल्ड के फोल्डर में क्या कहते हैं पब्लिक के फोल्डर में जो हम डालते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर मैंने फायरबेस को मैसेजिंग को इनिशियलाइज़ किया हुआ है जो हम मैसेजिंग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो ये मैं अपनी यूआई के ऊपर जाता हूँ, और मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर क्लाउड मैसेजिंग, उस क्लाउड मैसेजिंग के अंदर गया मैं, और कंपोज नोटिफिकेशन के अंदर मैं जा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास, आप इसके अंदर टेस्ट मैसेज लिखें, टेस्ट लिखें, ये बेसिकली हमारा टाइटल है, ये हमारी पूरी बॉडी है नोटिफिकेशन की। इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो स्ट्रिंगिफाई होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंगिफाई से हमारा जैसे इस तरह चाहिए, तो यहाँ पर मैं नेम देन ये लिख देता हूँ, ठीक है। सेंड मैसेज में क्या है, यहाँ पर मेरे टोकन पड़ा हुआ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम दोबारा टोकन जनरेट कराएं। यहाँ पर मैंने लिखे ना लिखे मर्जी, मैंने कोई रिजोल्यूशन नहीं लगाई भी। मैं लॉग इन एस ऑडियंस करता हूँ तो मेरे पास एक टोकन जनरेट हो गया। उस टोकन को मैंने कॉपी किया, इधर किया, यहाँ पे डाला, इसको ऐड कराया, अटैच किया। अब इसके बाद मैं इसको जो है वो सेंड में टेक्स्ट के अंदर इसको सिलेक्ट करता हूँ नोटिफिकेशन को और इसको अटैच करता हूँ। तो यहाँ पर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, ये आ गया। अब ये आया कहाँ से वो देखते हैं। इससे पहले इसकी बॉडी देख लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेटा आएगा। यहाँ पर हमारा नोटिफिकेशन के नाम से ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर बॉडी जो कि हमने बॉडी दी थी और टाइटल जो हमने टाइटल दिया था। ये आया कहाँ से, रिसीव कैसे हो रहा है, मैं सिंपल गया इसके अंदर एसआरसी के अंदर, ठीक है। एसआरसी के अंदर मैं गया अपनी ऐप की फ़ाइल के अंदर, ऐप की फ़ाइल के अंदर मैंने सिंपल क्या करा हुआ है कि इन दोनों चीज़ें निकाली इवेंट के अंदर, सॉरी इवेंट के अंदर। हाँ, इसके अंदर मैंने क्या करा भाई, मैंने वही फंक्शन निकाला फायरबेस इनिट का, ठीक है, यूटिल से फायरबेस के अंदर, सही है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया डैश डैश ऑल के नाम से, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल के लिए रखा था, ठीक है। मैसेजिंग इज इक्वल टू फायरबेस मैसेजिंग का मेथड निकाला। ये क्या करता है, मैसेजिंग डॉट ऑन मैसेज का एक फंक्शन देता है जो कि जब भी कोई नोटिफिकेशन रिसीव होगा ना उस पर्टिकुलर ऐप के ऊपर, ये आपका फंक्शन को चलाएगा और इसके अंदर ये पेलोड लाके दे देगा, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कनेक्ट है बेसिकली फायरबेस के इस प्रोजेक्ट से। तो जैसे ही मैंने इसको जो है वो सेलेक्ट करके टेस्ट किया, ये गया इस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर जो है वो ये लगा हुआ था फंक्शन कंपोनेंट अमाउंट के अंदर। तो ये एक दफ़ा रिस्टार्ट हो गया इस एप्लीकेशन के लिए, सही है। ऑन मैसेजिंग का इसने मेथड रिस्टार्ट कर दिया, जैसे सॉकेट आईओ में होता है ऑन का मेथड, सही है, वैसे ही है, ठीक है। और जैसे ही मैंने करा तो ये इसको नोटिफिकेशन रिसीव होगा। अब मैं अगर यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके दोबारा भेजता हूँ तो इसको यहाँ पर रिसीव होना चाहिए। हमारा टोकन सही था, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हो गया रिसीव, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो मैं अपने डिफरेंट नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ अपनी एप्लीकेशन में, और जितनी बार भेजूंगा वो उतनी बार रिसीव करेगा। तो ये कहानी थी हमारी फ्रंट एंड की, जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिंपल मैसेजिंग की एपीआई को। अगली वीडियो में देखेंगे कि बैक एंड से कैसे हम जो वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जैसे नोड जेएस के ऊपर, कि हम जैसे ही नोड जेएस के ऊपर कोई इवेंट क्रिएट करें तो वो इधर फ्रंट एंड पर जो है वो नोटिफिकेशन जनरेट करवा देते हैं। I hope you like the video, I hope you like the concept. If you like, please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you. मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।